अगर आपके भी सीधी दाढ़ी आ रही है पर पैची बियर्ड आ रही है, तो आप उसकी फुल ग्रोथ कैसे कर सकते हो, पैची बियर्ड को फिल कैसे कर सकते हो, वर्क कैसे सकते हो, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो पैची बियर्ड के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अदित, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी फुल बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे कि वो चाहते हैं वैसी दाढ़ी नहीं आ रही है, तो ऐसे में वो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट्स उसके लिए सही नहीं होता है, जिससे उसका रिजल्ट उसको सक्सेसफुल नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी पैची बियर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। देखो, पैची बियर्ड जो होती है ना, यानी कुल मिला के आपकी आधी अधूरी दाढ़ी आप कह सकते हैं, यानी दाढ़ी आई भी है और दाढ़ी नहीं भी आई है, जो कि आपको अच्छी नहीं लगती। अगर आप ऐसी फुल बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो, फुल काली घनी मोटी अट्रेक्टिव भरी हुई दाढ़ी चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करना पड़ेगी, टाइम भी खर्च करना पड़ेगी और अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट्स भी करना पड़ेगी। तो ऐसे में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एबीएम 400 विटामिन ए कैप्सूल। ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि विटामिन होता है विटामिन, और आप उसको लगाते हो बियर्ड की जगह पे, तो उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा मैनेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आप लगा के खा के बियर्ड की ग्रोथ कर सकते हो। लगाना भी बहुत अच्छा होता है और खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी एज भी 18 साल से ऊपर हो चुकी है और आप पैची बियर्ड को लेकर परेशान हो, आपकी बियर्ड को फिल करना चाहते हो, भरना चाहते हो, पूरे गाल आप भरना चाहते हो, तो आप ईवीएम 400 विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना होता है, देखो सिंपली, अगर आप इसको खाओगे तो खाना खाने के बाद रात को समय आपको एक कैप्सूल पूरा का पूरा पानी के साथ खाना है और खा के सो जाना है। और अगर आप इसको लगाओगे तो आपको एक कैप्सूल काट के उसके अंदर जो जेल निकलता है, उस जेल को आप आपकी दाढ़ी की जगह पर लगा के एक दो मिनट तक मसाज करके रात को सो जाना है, और सुबह उठ के आपको नॉर्मल पानी से आपको धो लेना है। ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 से 4 महीने करना होगी, और आप देखते ही देखते आपकी जो दाढ़ी में जो वहाँ पर गैप है पैचेस से, वहाँ पर नए बाल की ग्रोथ हो जाएगी, नए बाल उगने लग जाएंगे और आपकी ऐसे ऐसे दाढ़ी बढ़ने लग जाएगी, यानी आपकी दाढ़ी फिल हो जाएगी। अगर आप भी पैची बियर्ड को लेकर परेशान हो तो आप इस ट्रीटमेंट को यूज़ ज़रूर करें। इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा आया है, इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा कम है, आप सेफली इसका यूज़ कर सकते हो। प्राइस की बात करें हम तो इसके 3 रुपये की एक कैप्सूल की प्राइस होती है, यानी एक कैप्सूल आपको 3 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है, 10 कैप्सूल आपको 33 रुपीज़ में या फिर 30 रुपये में आपको आराम से आपके आस पास की मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हो तभी इसका यूज़ करें। मैं 18 साल से नीचे वालों को ये कैप्सूल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये कैप्सूल मैं उनको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आई होप आपकी भी बियर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या पर हो जाएगी, और आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पैची बियर्ड पर वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।